दोस्तों G20 बैठक भारत जिस लक्ष्य के साथ कश्मीर में आयोजित करना चाहता था वह लक्ष्य मीटिंग के खत्म होते होते पूरा भी हो चुका है। पाकिस्तान ने लाख कोशिशें की कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को नाकामयाब करने की, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक बार G20 बैठक सफलतापूर्वक कश्मीर में हो गई तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाएगी कि कश्मीर में अमन और शांति है, पूरा कश्मीर भारत सरकार से खुश है और वह किसी भी तरीके से विवादित क्षेत्र नहीं है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री का वो बयान भी सच्चा साबित होगा जो कि वो अक्सर कहते हैं कि कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है और पाकिस्तान का यही डर सच साबित भी हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी उम्र और अब तो उसका दिवाला भी निकल चुका है ये कहते कहते कि कश्मीर हमारा है और यह एक विवादित मुद्दा है, लेकिन भारत ने कभी भी इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। भारत ने जिस लगाव और अपनेपन के साथ कश्मीर को संवारा है उसकी डेवलपमेंट के लिए भारत जो कुछ कर रहा है वो खुद एक सबूत है पाकिस्तान को बताने के लिए कि असल में कश्मीर किसका है और किसे उसकी परवाह है। G20 में शामिल 20 में से 17 देशों ने कश्मीर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, यानी कि 16 अलग अलग देश और एक यूरोपियन यूनियन जिसमें पूरा का पूरा यूरोप समा जाता है, यानी कि G20 में पूरी दुनिया भारत के कश्मीर में पहुंच चुकी थी। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि G20 बैठक के आयोजन से कुछ वक्त पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि कश्मीर में आतंकी हमले हो सकते हैं और ये बात जग जाहिर थी। तो ऐसे में G20 बैठक में शामिल होने वाले सभी देशों के पास एक काफी अच्छा बहाना था कि कश्मीर न आने का। अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए G20 बैठक में शामिल होने वाले सभी देश इस मीटिंग को रद्द करा सकते थे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के नापाक इरादों से ज्यादा दुनिया के सभी देशों को भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा था। इसीलिए 17 देशों के 60 डेलीगेट्स तय किए गए दिन पर बड़ी ही खुशी के साथ कश्मीर आए। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और कश्मीर की खूबसूरती जायके और शिकारा की आनंद लेते हुए खुद 60 डेलीगेट्स ने यह बयान दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यहां पर अमन चैन और शांति है। कई देशों ने तो इसे यूरोपियन देशों से भी खूबसूरत बताया है, यानी कि असल मायनों में धरती का स्वर्ग हमारा कश्मीर है और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग विवादित मुद्दा भी कश्मीर नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री के इस कथन के ऊपर खुद दुनिया के इन बड़े बड़े देशों ने पक्की मोहर लगा दी है। दोस्तों, बात करते हैं उन देशों के बारे में जो कि G20 का हिस्सा है लेकिन भारत आने के लिए नहीं माने, जिसमें पहला चाइना, दूसरा तुर्की और तीसरा सऊदी अरेबिया है। और इन तीनों देशों में भारत के लिए सऊदी अरेबिया ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए हमारे इस खास वीडियो में हम आपको सऊदी अरेबिया के G20 बैठक में न आने के पीछे की दो बड़ी वजह के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरेबिया इस वक्त भारत के आगे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही सऊदी अरेबिया जो ओपेक प्लस ग्रुप का लीडर है, वो ग्रुप जिसमें क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाले दुनिया के सभी बड़े देश शामिल हैं, तेल के कुओं का बादशाह कहा जाता था सऊदी अरेबिया को, लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत ने सऊदी अरेबिया से उसकी बादशाहत को छीन लिया है। दरअसल भारत ने एक बहुत बड़ी चुनौती दे रखी है सऊदी अरेबिया को, जिसमें वो हारता हुआ नजर आ रहा है। एक और, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है क्योंकि उसके देश में तेल के कुएं हैं, तो वहीं भारत जिसके देश में तेल का एक भी कुआं नहीं है उसी देश में सऊदी अरेबिया से ज्यादा न सिर्फ तेल हर साल आ रहा है बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को बेच भी रहा है। एक तरफ जहां भारत ने सऊदी अरेबिया के ऑयल प्रोडक्शन को चैलेंज किया है तो वहीं उसके मार्केट पर भी अपना कब्जा कर चुका है। दोस्तों, जितने भी रिफाइनरी प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट नहीं करता था उससे कहीं ज्यादा भारत यूरोपियन कंट्रीज को रिफाइनरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और इसके पीछे की वजह यही है कि भारत के पास ऑयल को स्टोर करने के लिए किसी भी तरीके का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज सप्लाई की डिमांड भारत से ज्यादा करती है क्योंकि भारत उसे तुरंत पूरा करता है, क्योंकि वह ज्यादा समय तक ऑयल को स्टोर करके नहीं रख सकता। तो यानी कि एक तरफ जहां यूरोपियन कंट्रीज को भारत से वाजिब दाम मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सप्लाई भी तय किए गए समय से ही पहले मिल जाती है। तो अब आप खुद बताइए कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया G20 बैठक में सम्मिलित होने से कतरा रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसकी बादशाहत को भारत ऑलरेडी चैलेंज कर चुका है। ऐसे में आखिर वह किस मुंह से भारत की G20 मीटिंग में सम्मिलित होता। हालांकि भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से काफी मजबूत हुए थे, इसीलिए सभी को उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का साथ देगा। इसी के साथ यहां पर इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि सऊदी ने पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर भारत आने से इनकार नहीं किया बल्कि भारत के आगे खुद को कमजोर पाकर उसने इस वक्त भारत के सामने आने से मना कर दिया। दोस्तों, अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि भारत और सऊदी के रिश्ते मजबूत होते हैं या फिर कमजोर पड़ते हैं। हालांकि दोस्तों, G20 में मिली भारत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।